आज शुक्रवार है और आज आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म बरेली की बर्फी रिलीज हो चुकी है। आइए देखते हैं दर्शकों की क्या राय है इस फिल्म के लिए। मूवीज रियली नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। द स्मॉल टाउन फ्लेवर दैट वी मिस्ड इन टुडेज टाइम, द स्मॉल टाउन लव स्टोरी, इट वाज देयर इन द मूवी, सो आई लाइक्ड इट। आयुष्मान खुराना एंड राजकुमार राव आर वेरी गुड, स्पेशली राजकुमार राव। कीर्ति सैनन वॉज गुड, बट आई रूटेड फॉर बोथ ऑफ देम। आयुष्मान स्टोरी वॉज रियली नाइस। फोर फिल्म बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है ना कि आप स्मॉल टाइम क्यूट लव स्टोरी ऐसे हम लोग देखते नहीं आजकल, ऐसी क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलती नहीं है, वैसा है तो बहुत अच्छा लगा, एक रिफ्रेशिंग सा लगा। परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है लेकिन राजकुमार राव शो स्टीलर हैं, उन्होंने जो ज़बरदस्त एक्टिंग की है उनके सामने अच्छे अच्छे फीके पड़ गए। और जो सीमा पावा एंड प्रियंका त्रिपाठी जो मदर फादर का रोल कर रहे हैं वो भी अमेजिंग है फिल्म में। आप लोग फॉरवर्ड करते कि ये तीनों लोग स्क्रीन पर आए, उनकी पंच लाइन्स आए, मज़ा आ जाता है। 3.5 फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, कहानी बहुत अच्छी लगी। फिल्म की बात करें तो फिल्म पुरानी स्टाइल है, घिसी पिटी है, जो लव लेटर है आपने देखा होगा, एक पुरानी फिल्म थी, कुछ चेन्नई की एक फिल्म थी, संजय कोई एक स्टार था, मुझे इसका नाम याद नहीं, वो फिल्म उसी तरह है। और लव सीन है, आयुष्मान बहुत अच्छे है, कीर्ति भी अच्छी लगी मुझे, राजकुमार की एक्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आई, आयुष्मान की एक्टिंग। तो गाने की बात करूँ तो गाने भी मुझे पसंद आए, लेकिन फिल्म थोड़ी घिसी पिटी है लेकिन एंटरटेनमेंट है, आपको देखना जाना चाहिए। मैं तो दूंगा 3.5। फिल्म काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मतलब एक गांव की स्टोरी है जो हमें उम्मीद थी, तो कहीं ना कहीं मतलब फिल्म जस्टिस करी, वन टाइम वॉच है फिल्म। आयुष्मान राजकुमार कृति हैं, बट जो आप अगर एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार स्टील द शो, राजकुमार जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह से उनकी एक्टिंग है, अब उसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब एकदम किरदार में बिल्कुल खो गए, घुस गए उस किरदार के अंदर। गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, जो मतलब जिस तरह की सिचुएशन है, सिचुएशन से आगे बढ़ते हैं, मतलब गाना आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती का गाना आ गया है, बट लेकिन एक स्टोरी को साथ में लेके चलते हैं, काफ़ी अच्छे गाने हैं उसके भी। 5 में से 3.5 स्टार्स। बरेली की बर्फी बर्फी की तरह ही स्वीट निकली, दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्ते में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाती है। कैमरामैन गोविंद के साथ विदिता प्रताप, बॉलीवुड साउंड.com, मुंबई।